हिसार की बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट व मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह प्रकरण में एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें काफी लोगों की भीड़ है जो कि इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार के मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बालसमंद गांव में सोनाली फोगाट के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया, इसके बाद मैडम ने मुझे चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। वहीं हिसार के डीएसपी जोगेंद्र शर्मा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई है, जिसमें हमला करने वालों की तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और करनाल के सांसद प्रदेश महामंत्री संजय बाटिया ने कहा, हम वहां चले गए सर दफ्तर में। जैसे ही हम दफ्तर में थे, उसमें मार्केट कमेटी के मंडी में, तो मैडम ने कहा कि देखो शेड वहां बना रहे, सारा फर्श टूट गया, इधर आओ शेड फर्श देखो। हम 10-15 कदम आगे गए फर्श की तरफ, तो मैंने कहा फर्श तो सारा टूट गया, बनवा देंगे, जय साहब को बोल देंगे, एस्टिमेट बढ़ा के चंडीगढ़ भेज देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से हम काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जयपाल जी ने वो काम नोट भी किए हुए अभी भी वो कागज है साथ में। तो मैडम एक तरफ लेगी, बोले एक तरफ आओ अकेले, उनके साथ दो आदमी थे जो यहाँ भी आए थे, वो बोले आप मैडम से अकेले बात करो। तो मैंने कहा फर्श के बारे में बात करें, मैंने कहा मैडम जी ये फर्श तो इससे ट्रैक्टरों से टूटा है ऐसे, क्यों 72 के बाद पहली बार मड़ी चल रही है। वो बोले आप मेरी तरफ देखो, मैंने कहा आपने मेरी आदमपुर चुनाव में खिलाफत की, मैं कहा मैडम जी मैंने कोई खिलाफत नहीं की। इसी दौरान जो लड़के यहाँ बाहर थे वो मेरे चारों तरफ घूम गए, फिर मेरे को फिर भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने कहा मैं आदमपुर चुनाव में मैं आपको जानता नहीं, बोले आप मेरे को नहीं जानते, मैं क्या नहीं, मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड भी जानते, मैं क्या नहीं मैम जी मैं जानता हूँ, मेरे को आज आप बताया उन्होंने आदमपुर से आपने चुनाव लड़ा, मैंने सारे काम नोट कर लिए आपके। तो उन लड़कों ने सारे मेरे अटैक शुरू कर दिया एकदम बुरी तरह, पहले मैडम ने थप्पड़ मारा है, फिर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया सबने, मैं बुरी तरह गिर गया एकदम, जब इतने आदमी लात मुक्के चारों तरफ से मारे एकदम अचंभे में हो गया। मैडम ने कहा आपने मेरे को गाड़ी दी, मैं क्या गाड़ी नहीं दी, मैं एकदम सन्नाटा में छा गया चार तरफ गिर गया। तो मेरे को एकदम भाग के मैं उसी दुकान की तरफ गया, वो दुकानदार को कहा यार कोई बात तो नहीं कि मैडम क्यों करी है, उन्होंने मैडम को कहा बहन जी तो बन जी मेरे उस गांव की बन जी होगी शायद, ये पता नहीं क्या इस तरह कुछ कि आप बन जाओ इस तरह ना करो आप, ये शक्ति साहब ठीक आदमी इंत क्या कर दिए यहाँ। फिर वो वही गुंडे आ गए थे उतर, वो आम आदमी को सबको दूर कर दिया मेरे पास से, और दो आदमी मेरी वीडियो बनाने लगे और वो चप्पलों से मारना शुरू कर दिया उसने जी, जब मेरे उल्टी भी लगी थी उस दौरान, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी झगड़ा हो चुका था, जब 8 आदमी से अटैक कर दिया मेरे ऊपर मैं घबराया हुआ था। फिर मैडम ने दोबारा वीडियो बनानी चप्पल मार के दोबारा शुरू कर दी मेरी वीडियो बनानी उन्होंने, और उनके दो आदमी वीडियो बनाते रहे, गुंडे दूर खड़े रहे सारे, किसी को नज़दीक नहीं लगने दे। मैं तफ्तीश अभी हम कर रहे हैं और इसमें जो भी नाम आए, जो भी नाम है, जो भी लड़कों ने मार पिटाई की है, जो बयान में आया है, उनको वेरीफाई कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जैसे ही उनके नाम और वो सामने आते हैं आपको बता दिया जाएगा। एक्चुअली जो वीडियो कल हम लोगों को मिली है उसमें हम जो भी लड़के हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके बारे में पूछ रहे हैं, और जो जब भी वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे उनको सामने तफ्तीश किया जाएगा, अगर उन्होंने कोई उनका कोई भी रोल होता है मार पिटाई में तो उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लगी। अभी ये देखो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, अगर कुछ भी आता है कोई भी चीज़ सामने आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। ये एक वेरीफाई करने का मामला है, अगर इस तरीके का कोई भी एविडेंस आता है तो आपको जरूर बता देंगे। मैं ये बात आपके लिए बोल रहा हूँ, आप मेरे लिए कर रहे हो ये काम, आप मुझे क्या क्या रिएक्शन होंगे। अभी व्यक्ति का भावावेश में तत्कालिक प्रतिक्रिया और महिला, आप मैं अगर आप वो सारी चीज़ें जो मेरे तक तथ्य आए आप तक आ जाएंगे ना, हम चाहते नहीं उसको, अब हम आज भी चाहते हैं, जो मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, मैंने जीवन में फिर भी आपके पास आना है, अगर जो सेक्रेटरी साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वो अपनी गलती को अच्छे से जानते हैं लेकिन वो साहस नहीं कर पा रहे समाज के अंदर बोलने का, यही 4 दिन बाद आप देख रहे सारे बैकफुट पे होंगे। बात करते हैं तो अभी एक जो मार्केट कमेटी सचिव जो के साथ जो मारपीट हुई है उसको आपके पार्टी के एक नेता है उनका जो नाम आया, उन्होंने मारपीट की है, तो उसमें अभी क्या पार्टी की मीटिंग भी हुई तो उसमें क्या जो निर्णय लिया गया, क्या एक्शन किया? उसमें पार्टी इसके प्रति बहुत गंभीर है, पार्टी डिटेल में गई है, पार्टी के पास एक ऑडियो कैसेट भी आया है जिसमें बड़ी गंभीर तरीके से और बड़े अभद्र तरीके से हमारी बहनों का और माताओं का अपमान किया गया है। पार्टी बड़ी गंभीर है, कानून उचित कार्रवाई दोषी के विरुद्ध करेगा, आप इसके बारे में अशोर समझें। तो सोनाली फोगाट जी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हम किसी भी बहन बेटी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस देश की कोई भी बहन बेटी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड जो ऑडियो में हमारे पास
जो मटेरियल आया है उसको सुनने के बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, और वो ऑडियो रिकॉर्ड ऐसा है जिसको हम पब्लिक भी करने में हम फैसला करेंगे कि उसको पब्लिक करें या ना करें, क्योंकि उसमें हमारी एक बहन की इज्जत का सवाल है। तो इसमें आपने कहा कि किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग सहन नहीं किया जाएगा, पर लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई की बजाय इस तरीके से मारपीट किया जाना क्या सही है? जो उचित, अगर उसने कोई कानून हाथ में लिया है, जो कानून में आएगा, तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन उचित जांच के बाद, मेरा निवेदन है उचित जांच के बाद कोई भी कार्रवाई दोषी के खिलाफ की जाए। तो इस पे फैसला कब तक आ जाएगा पार्टी का कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या नहीं? ये बड़ी जल्दी आ जाएगा फैसला।